शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसा तो तब होगा जब गौरव से दूर जाने की नौबत आएगी। यू अब ना कोई राजीनामा और ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो तुम्हारी फालतू की बकवास भी नहीं होनी चाहिए। बैकअप जैसा शब्द शायद तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं। नहीं है। मेरी डिक्शनरी के सारे पन्नों में सिर्फ एक ही चीज लिखी है, गौरव। और अब मेरी जिंदगी का मकसद भी सिर्फ एक ही है, गौरव को तुम्हारे काले जादू के अंधेरे से बाहर निकालना। इसलिए भगवान भी हमें अलग कभी नहीं कर सकते। तुम सिर्फ और सिर्फ एक जालसाज हो और उस जालसाजी के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। बस जालसाजी आप करती हैं, क्या किया है हमने? जब वहां आग लगी थी हम आपको आवाज देते रहे, पर आपको हमारी आवाज सुनाई तक नहीं दी। अरे इंसानियत के नाते भी कोई फर्ज होते हैं या नहीं? हमें बचाने नहीं आ सकती थी आप? काश तुम्हें बता सकती कि हम वहीं थे तुम्हारे पास। इस चुप्पी का मतलब होता है दिल में खोट। एग्जैक्टली, चुप्पी का मतलब आग लगा के तमाशा देखना भी होता है। और इसकी तो आदत है दूसरों को तकलीफ में देखने की, दूसरों के रिश्ते में आग लगाने की। पहले आपने हमारा घर छीना, फिर बिजनेस में टांग अड़ाई, हमारी बेइज्जती करती रही, हम बर्दाश्त करते रहे। पर अगर आपने हमारी पत्नी के साथ बेइज्जती की तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं पर हमारी पत्नी की बेइज्जती नहीं। और अगर आज के बाद आपने हमारी पत्नी की बेइज्जती की तो हम भूल जाएंगे कि आप एक औरत हैं। चलो उर्वशी। और तुम गायत्री के रूम में करने क्या गई थी? तुम्हें ड्रेस करना चाहिए उर्वशी। तुम क्यों गई थी उसके कमरे में? एक्चुअली गौरव, मुझे उसके रूम में जाना इसलिए जरूरी लगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो आग उसी ने लगवाई है। और अपने घर पर कौन आग लगवाएगा? गौरव, इतने पैसे हैं उसके पास, कितनी अमीर है, ऐसे कितने घर खरीद सकती है वो। और अब तुम खुद सोचो, जब से वो इस घर में आई है हम लोगों के साथ क्या अच्छा हुआ है? हमारा घर गया, बिजनेस चौपट हो गया, घर में इतनी लड़ाई होती है। वो खुद मनहूस है और इस घर में सिर्फ और सिर्फ मनहूसियत फैला रही और कुछ नहीं। And let me tell you कि उसका मेन टारगेट सिर्फ मैं हूं। देखो ना, उसने मुझसे मेरा सब कुछ तो छीन लिया। अब कल को अगर उसने मुझसे तुम्हें छीन लिया तो मैं क्या करूंगी गौरव? कहां जाऊंगी? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया उर्वशी कि ऐसा सब कुछ होगा? तुम हमें बचाने के लिए आग पर चली हो, हम तुमसे अलग कैसे हो सकते हैं? तुम पत्नी हो हमारी। तो फिर आज तक तुमने एक पत्नी का दर्जा क्यों नहीं दिया मुझे गौरव? मैंने तुम्हें अपना पति मानकर हर कर्तव्य निभाया है, हर रीति रिवाज निभाया है, और बदले में क्या मांगा तुमसे? सिर्फ प्यार।
लेकिन मुझे मिला क्या? सिर्फ तुम्हारा नाम, मिसेज उर्वशी गौरव शुक्ला। तुमने मुझे कभी भी अपनी पत्नी नहीं माना है, बस एक घर के सामान की तरह जब मनाए इस्तेमाल कर लिया और बोर हो गए तो किसी कोने में रख दिया। तुम हमारे लिए क्या हो हम तुम्हें बताते हैं, चलो हमारे साथ। बड़ी मैम साहब। गौरव क्या हुआ बेटा? हम आपके और इनके गुनहगार हैं, अपने गुनाह का पश्चाताप करने आए। सिर्फ कहने सुनने के लिए हमने इन्हें अपनी पत्नी कहा और अपनी पत्नी कभी माना नहीं, बस आज अपनी वही गलती सुधारने आए। ये हमारे लिए आग पर भी चल गई, हम इनके बलिदान की बराबरी तो नहीं कर सकते पर अपनी गलती जरूर सुधार सकते हैं और आज हम वो गलती सुधारेंगे इन्हें अपनी पत्नी का दर्जा देकर। मेहंदी, संगीत, शादी के बाद की सब रस्में निभाएंगे और अपनी गलती सुधारेंगे। बेटा, एक पत्नी को अपने पति से यही तो चाहिए होता है, मान सम्मान इज्जत दर्जा। हमारी बेटी तो तरस गई थी, तुमने ये सब करके। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए। तुम दोनों हमेशा खुश रहो बेटा। गौरव, तुम रूम में जाओ, मैं किचन से पानी लेकर आती हूँ। पानी हम ले आएंगे, तुम जाकर रेस्ट करो। रेस्ट की जरूरत तो तुम्हें भी है ना, तुम जाओ मैं लेकर आती हूँ। अब पत्नी बनने वाली हो, इतना तो सुनना ही पड़ेगा। देखा गौरव, मेरी वजह से और मेरे साथ कितना खुश है। इससे भी कई ज्यादा वो नाराज होगा जब उसे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन मेरी ये सच्चाई बताएगा कौन उसे? तुम? No way. तुम तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, लेकिन मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। गौरव की नजरों में प्यार, इज्जत, इंपॉर्टेंस, छोटे मोटे नाटक भी। और बेस्ट पार्ट इज कि ये सब कुछ तुम्हारे जरिए। जानती हो कभी कभी ना मुझे तुम्हारे पर बहुत तरस आता है, ये सोच के कि तुम्हारी मांग में गौरव का सिंदूर तो है लेकिन गौरव तुम्हारी लाइफ में नहीं है और ना कभी आ पाएगा, क्योंकि वो मुझे अपनाने जा रहा है और बकायदा पूरे रस्मों रिवाज के साथ। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये शॉक्ड रिएक्शन मेरी अगली बात सुनने के बाद देना। उस अपनाने की रस्मों में एक रस्म होती है सुहाग रात, और उस सुहाग रात के बाद इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे और गौरव को अलग नहीं कर सकती। वो हमेशा मेरा रहेगा और मेरे वश में रहेगा। और तुम सिर्फ मंदिर की घंटियां बजाती रह जाओ। जिनके सामने मैं मंदिर की घंटियां बजाती हूँ ना, उन पर हमें पूरा विश्वास है और हम ये जानते हैं कि वो हमारी जिंदगी से विष के वास को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। दीदी फोन उठाओ। कट कर दिया, मैसेज डालती हूँ, अर्जेंट है। Yeah.
किसी को उसके भविष्य से बताने से ज्यादा अर्जेंट क्या हो सकता है? फिर से करते हो? बोलो दीदी, हमारी खटिया खड़ी होने वाली है, पुलिस आई थी घर पे। इससे पहले कि पुलिस कुछ करे, आप अपने आप को और मुझे बचाने के लिए कोई रास्ता निकालिए। श्रेया, श्रेया, क्या हो गया? सब ठीक तो है? अचानक इसे क्या हो गया? उर्वशी के चेहरे का रंग क्यों उतर गया है? इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।